हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे 2023 से 24 का मॉडल प्रश्न पत्र और यह आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी 2024 से 25 का मॉडल प्रश्न पत्र नहीं आया है, इसीलिए हम लोग प्रीवियस ईयर मॉडल प्रश्न पत्र को ही करेंगे। इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो देखिए हम लोग क्या देखने वाले हैं, कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान के MCQ देखेंगे और आपको देखिए 52 क्वेश्चंस दिए रहेंगे और उसमें से आपको ही क्वेश्चंस बनाने होंगे और समय आपको दिया रहेगा 3 घंटा। सभी प्रश्न अनिवार्य है, कुल प्रश्नों की संख्या 52 है, जो टोटल क्वेश्चंस नंबर है वो कितना है 52 है, तो आपको टोटल 52 क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें से आपका 30 क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आएगा। 2025 बोर्ड एग्ज़ाम में आपका 30 क्वेश्चंस आएगा MCQ। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे A, B, C और D और इसी में से आपको जो सही ऑप्शन रहेगा उसमें टिक करना है। तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। और देखिए अभी हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव 30 क्वेश्चंस ही करेंगे, इसके बाद यदि आप लोग कमेंट करते हैं तो इसका सब्जेक्टिव भी हम लोग बना देंगे, सब्जेक्टिव का भी वीडियो। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन का उदाहरण है। देखिए यहाँ आपको क्या बताना है, जैव संसाधन का उदाहरण, जैव संसाधन कौन सा होता है जिसमें जीवन हो, जिसमें जान हो, उसे हम लोग जैव संसाधन कहेंगे। तो देखिए यहाँ क्या कर रहा है, ऑप्शन ए मनुष्य, हाँ तो मनुष्य जैव संसाधन की कैटेगरी में आएगा क्योंकि इसमें जीवन है, इसमें जान है। जल, क्या जल जैव संसाधन है, जल में जान होता है, नहीं जल में जान नहीं होता है, तो जल अजैव संसाधन हो जाएगा। सूर्य ताप भी अजैव संसाधन हो जाएगा और लोह अयस्क भी अजैव संसाधन हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए मनुष्य करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2, मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए। यहाँ पूछ रहा है कि मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व में शांति बनाए रखने के लिए जो संसाधन है उनका समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए, अमीर के हिसाब से, गरीब के हिसाब से, ऑप्शन सी है सरकार के हिसाब से या ऑप्शन डी है न्याय संगत। यह देखिए बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो यहाँ देखिए अमीर के हिसाब से भी नहीं हो सकता और ना ही गरीब के हिसाब से और ना तो सरकार के हिसाब से। देखिए मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा किया जाना चाहिए, यानी कि सभी को बराबर अधिकार दिया जाना चाहिए। देखिए अमीर के, अमीर हो या गरीब उससे मतलब नहीं रहना चाहिए, यानी कि दोनों के हक में, जिसमें गलती रहेगा उसके उसमें उसको सजा दिया जाएगा और जो सही रहेगा उसकी तरफ फैसला जाएगा। तो देखिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, निकोबारी कबूतर किस जाति की श्रेणी में आता है। निकोबारी कबूतर देखिए किस जाति की श्रेणी में आता है, यह पूछा गया प्रश्न है, तो यह स्थानीय जाति की श्रेणी में आता है, यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपको सब्जेक्टिव का वीडियो चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, उसका भी वीडियो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ आपको बताना है कि सुमेलित कौन नहीं है। देखिए हीराकुंड परियोजना जो है वह महानदी पर है, तो ऑप्शन ए भी सुमेलित है, ऑप्शन बी भी सुमेलित है और ऑप्शन सी भी सुमेलित है, लेकिन जो ऑप्शन डी है वह सुमेलित नहीं है, यानी कि जो गंगा नदी पर है वह भाखड़ा नांगल परियोजना नहीं है। अब देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रबी फसल को किस ऋतु में बोया जाता है, जल्दी से बताइए। देखिए रबी फसल को किस ऋतु में बोया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शीत ऋतु, यानी कि जो रबी फसल है उसे मुख्य रूप से शीत ऋतु में रोपते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है। देखिए चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है, तो यह रोपण कृषि का उदाहरण है, ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, झारखंड के गुआ और नवामुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है। देखिए झारखंड के गुआ और नवामुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है आपको बताना है, ऑप्शन ए है लौह अयस्क, बी है कोयला, सी है तांबा और डी है अब्रक। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा कौन सा बच्चों, ऑप्शन ए लौह अयस्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8,
यह सभी क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, इससे भी आपकी एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और जब 2024 से 25 का मॉडल प्रश्न पत्र जब जेक प्रकाशित करेगा तो उसका भी वीडियो हम आपको प्रभावित करवा देंगे। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है। चलिए 8 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 8 का करेक्ट आंसर होगा देखिए पानी भी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन बी कच्चा तेल भी सही हो जाएगा, और ऑप्शन सी पेट्रोल उत्पादन भी सही हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश की 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान की किस अनुसूचित में रखा गया है, अनुसूची में रखा गया है। तो देखिए जो हमारे देश की जो 22 भाषाएं हैं उन्हें 8वीं अनुसूची में रखा गया है, यानी कि यहाँ ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा 9 का आंसर। 10th नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है, स्थानीय स्वशासन व्यवस्था में कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन ए 1/3। स्थानीय शासन व्यवस्था में महिलाओं के लिए 1/3 पद आरक्षित है। 11th नंबर क्वेश्चन देखिए, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ। चलिए अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ बताएंगे आप लोग कमेंट में इसका आंसर। देखिए अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन 1954 से 1968 में हुआ था, इसका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। और यह पिछले बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है, 2023-24 के बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा भी गया है। 12th नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना फीसदी है। देखिए 12th का करेक्ट आंसर 5% से भी कम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी 12th नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13th नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन से देश में द्विदलीय व्यवस्था है। आपको यहाँ बताना है कि इनमें से किस देश में द्विदलीय व्यवस्था है, तो अमेरिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमेरिका में द्विदलीय व्यवस्था है, ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। चलिए 14th नंबर क्वेश्चन देखिए, नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया गया। देखिए नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया गया, 2008 में समाप्त किया गया, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 12वीं में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने की थी। देखिए इसके इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या होगा, ऑप्शन ए यानी कि फेडकोर। 12वीं में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने की थी, फेडकोर, ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए केरल में जो शिशु मृत्यु दर कम हुआ है उसका मेन कारण क्या है, ऑप्शन देखिए इसका ऑप्शन ए है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्यान्वयन, ऑप्शन बी है उत्तम परिवहन, ऑप्शन सी है शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता, और ऑप्शन डी है उच्च प्रति व्यक्ति आय। इसका ऑप्शन जो सी है शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कोई से संगठन क्षेत्र में नियोजित किया कहा जाता है। अब यहाँ आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जाता है, इसका ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुराष्ट्रीय कंपनी का स्थायी कर्मचारी, ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्न में से कौन से उपाय किए जाते हैं। यहाँ आपको बताना है कि जो रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कौन कौन से उपाय किए जाते हैं। देखिए ऑप्शन ए क्या है, पहला बोल रहा है पहला कि सिंचाई की सुविधा में वृद्धि, दूसरा है विद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना, और ऑप्शन 3 नंबर कह रहा है खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना। तो इसका ऑप्शन डी 1, 2 और 3 तीनों ही सही हो जाएगा, तीनों विकल्प सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन से एजेंसी भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करती है? यहाँ आपको बताना है कि कौन सी एजेंसी भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करती है। देखिए, इसका आंसर तो कोई भी दे देगा, जो भारतीय रिजर्व बैंक है वही भारत सरकार के लिए करेंसी नोट जारी करती है। तो 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राम और श्याम दो छोटे किसान हैं जिन्होंने अलग अलग स्रोतों से 20,000 रुपया कर्ज लिया है। राम ने 1.5% ब्याज प्रतिमाह की दर से एक व्यापारी से कर्ज लिया है। राम ने एक व्यापारी से कर्ज लिया है कितना? 1.5% प्रति महीना, यानी कि उन्हें उसको हर महीना 1.5% व्यापारी को ब्याज देना है। और कह रहा है जबकि श्याम ने यह कर्ज बैंक से प्रति वर्ष, यानी कि श्याम को एक साल में 8% ब्याज देना है। उपरोक्त आधार पर निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? तो देखिए, यहाँ 1.5 को आप 12 से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो जो राम का जो ब्याज दर निकलेगा वह अधिक निकलेगा, यानी कि राम को अधिक ब्याज देना पड़ेगा जबकि श्याम को एक साल में कितना देना पड़ेगा? सिर्फ 8% देना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ क्या कर रहा है, राम ने सही किया क्योंकि उसे किसी प्रकार की कागजाही कार्रवाई नहीं करनी पड़ी। श्याम की हालत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि उसे ज़्यादा ब्याज देना पड़ रहा है। तो हम यहाँ साफ साफ देख रहे हैं कि श्याम की हालत जो है वह अच्छी है राम से, क्योंकि इनसे सिर्फ एक साल में 8% ब्याज देना पड़ रहा है। और ऑप्शन सी कर रहा है, राम की हालत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि वह ज़्यादा ब्याज दे रहा है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राम ज़्यादा ब्याज दे रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार RTI नामक कानून कब लागू किया? देखिए यहाँ बताना है आपको कि भारत सरकार ने सूचना का अधिकार RTI नामक कानून कब लागू किया था। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अक्टूबर 2005, यानी कि भारत सरकार ने सूचना अधिकार को RTI नामक कानून अक्टूबर 2005 में लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरकार द्वारा अवरोधी अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, उदारीकरण हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण कहलाता है। ऑप्शन सी यहां करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का। 23 नंबर क्वेश्चन है, देखिए यह क्वेश्चन पूछा भी गया है। 23 नंबर, ऑर्नेस्ट रेनन कौन किस देश के दार्शनिक थे? देखिए ऑर्नेस्ट रेनन किस देश के दार्शनिक थे? फ्रांस के दार्शनिक थे, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा, फ्रांसीसी दार्शनिक। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? चलिए इसे तो आपने 9th क्लास में ही पढ़ा होगा कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। तो देखिए फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी, ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, यंग इटली भूमिगत संगठन के स्थापक कौन थे? तो देखिए यंग इटली अब यंग यूरोप दोनों भूमिगत संगठन के स्थापक जूसेफ मेत्सिनी थे, ऑप्शन यहाँ सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे भी आपको याद रखना है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो देखिए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत जनवरी 1915 में लौटे थे, यहाँ ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। पूना पैक्ट भीमराव अंबेडकर एवं किसके मध्य हुआ था? देखिए पूना पैक्ट भीमराव अंबेडकर एवं किसके मध्य हुआ था? महात्मा गांधी, यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी किस देश में बहुत तेजी से फैली? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए ऑप्शन ए क्या है? अमेरिका, ऑप्शन बी है अफ्रीका, ऑप्शन सी है ब्रिटेन फॉल, और ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी है जापान। तो यहाँ देखिए 28 का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन बी, यानी कि अफ्रीका हो जाएगा।
अफ्रीका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी वाला। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन देश मित्र राष्ट्र के पाले में था। यहाँ आपको बताना है कि कौन सा देश मित्र राष्ट्र के अंतर्गत था। तो यहाँ देखिए 29 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि ब्रिटेन मित्र राष्ट्र के पाले में था। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्पिनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन है कि स्पिनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई। तो यह बनाया गया था जेम्स हारग्रीव्स द्वारा, ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ हमने टोटल 30 क्वेश्चन देख लिया और यहाँ आप देखिएगा आप, तो यहाँ इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने लगे हैं। तो हम लोग अभी यहीं पर रोकते हैं इसको 30 MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर। और इसके सेट 2 का यदि आपको वीडियो चाहिए होगा तो वह भी हम ला देंगे, आप लोग ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी चाहिए होगा तो उसको भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, उसको भी हम डिटेल में समझा देंगे आपको। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।